हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं चार बहुत ही बेहतरीन परफ्यूम ऑयल्स का। बेसिकली इनको हम इतर या अतर भी कहते हैं, और मैंने ये मंगवाए है अतर वर्ल्ड सोनार बांग्ला कोलकाता से। जी हाँ दोस्तों, इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। इनके जो ओनर है संगत दा, बहुत ही अच्छे पर्सन है। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, मेरा शिपमेंट डिलीवर होने में कुछ वक्त लग रहा था, तो बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर के हैं और बहुत ही बेहतरीन और नेचुरल परफ्यूम्स में डील करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़रा भी वक्त ज़ाया ना करते हुए सीधे हमारे अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सो एज यू नो, सेफ्टी इज द फर्स्ट थिंग वी शुड कंसिडर। तो मैंने इस बॉक्स को सैनिटाइजर से क्लीन कर लिया, क्योंकि ये कुरियर के थ्रू आया था मित्र। अब इसकी पैकिंग ओपन करते हैं। बहुत ही सिक्योर्ड पैकिंग दिया है भाई ने, शायद दो तीन लेयर है। तो दोस्तों, अनबॉक्स करते हुए आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो परफ्यूम्स मैंने मंगवाए हैं, ये 100% नेचुरल परफ्यूम्स है, केमिकल फ्री है। ये एक ट्रेडिशनल तरीका होता है जिसको भपका प्रोसेस बोलते हैं, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कनौज का नाम तो खैर आप सभी ने सुना होगा कि उसे खुशबू का शहर कहा जाता है, बट दोस्तों कनौज के अलावा भी इंडिया में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से सदियों से हाइड्रो डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करके फूलों से, जड़ी बूटियों से उनकी खुशबू एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो दोस्तों, मुझे इस बॉक्स में ये रेड कार्ड मिला है, जिनमें जो भी इनके पास अवेलेबल अतर है उनकी प्राइस लिखी है, तोला, क्वार्टर तोला और ऐसे फॉर्म में। तो चलिए हम हमारे असली चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। तो वाह, बढ़िया बढ़िया। एक्चुअली दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनिशियली मैंने सिर्फ ऊद पचोली और टोबैको ऊद मंगवाए थे, बट किसी कारणवश टोबैको ऊद अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने मुझे ऊद वाजिद भेजा और साथ में दो परफ्यूम्स और सैम्पलिंग के लिए भेजे। तो इनमें से एक परफ्यूम है परफ्यूम हरसिंगार और दूसरा है ऊद मुखल्लत। तो चलिए एक एक करके बात करेंगे इन परफ्यूम्स और उनकी नोट्स के बारे में। तो दोस्तों, ये है हमारा पहला परफ्यूम ऊद पचोली। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 3 ml की यानी क्वार्टर तोला की बोतल है, और ये है ऊद वाजिब। ये है हमारा हरसिंगार। दोस्तों, हरसिंगार यानी नाइट जैस्मिन जिसको हम बोलते हैं, और ये है ऊद मुखल्लत। तो चलिए दोस्तों, पहले परफ्यूम से शुरुआत करते हैं। ये है ऊद पचोली। तो दोस्तों, जैसा कि आप को बताना चाहूँगा कि मैंने दो जो परफ्यूम इनिशियली मंगवाए थे, दोनों भी ऊद बेस है। मुझे ये ऊद बेस परफ्यूम्स बहुत पसंद है, बिकॉज ऊद की एक तासीर होती है, वो एक थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी में गर्म होता है और बरसात या फिर विंटर सीजन में बहुत अच्छी खुशबू प्रोजेक्ट करता है। साथ ही आपको ये बता दूँ कि ये बहुत ही सोफेस्टिकेटेड नेचुरल परफ्यूम्स है, तो इसमें ज़्यादा प्रोजेक्शन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये मैंने लगा लिया परफ्यूम, ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, बट बहुत ही सुंदर और ऐसी भीनी सी खुशबू है। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहूँगा कि अगर कोई नया बंदा इसको लगाता है तो उसे शायद ये ज़्यादा पसंद ना आए, बट जो ऊद की प्रॉपर्टी जो भली भांति जानते हैं, तो उनको ये पता होगा कि ये किस तरह डेवलप करता है। तो जो मैं सूंघ पा रहा हूँ, तो इसमें मुझे टॉप नोट फ्लोरी पचोली का आ रहा है, जो कि ऑब्वियस है, और बेस नोट ऊद का है, और सैंडलवुड का एक थोड़ा सा उसमें खुशबू आ रही है। बट ये ज़्यादातर मुझे, मैंने लास्ट ईयर जो मोसिन शमामा लिया था उसकी जैसी खुशबू आ रही है। तो बेसिकली शमामा शायद इसका बेस लिया गया है इसको बनाते वक्त। तो दोस्तों, आपको जस्ट बताना चाहूँगा कि शमामा एक परफ्यूम होता है जो कि बहुत से मसालों से बनता है,
तो ये बड़ा एक वार्म सा, एक अर्दी सा नोट होता है, ज़्यादा एनिमलिक नहीं होता है बट एक मस्कुलाइन ऐसा नोट होता है, तो बहुत मज़ा देता है ये विंटर में और बारिश में। बस मुझे एक फ़र्क थोड़ा नज़र आ रहा है कि मैं इसमें जो सैफरन की जो एक डोमिनेंट नोट होती है शवामा में, वो नहीं सूंघ पा रहा हूँ, बट अदरवाइज ऊद की जहाँ तक बात है बहुत बढ़िया क्वालिटी का ऊद लग रहा है मुझे, और बहुत ही अच्छी लास्टिंग है इसकी, अराउंड 2 से 3 घंटे आपको अच्छा लास्टिंग देगा ये। दोस्तों इसका प्रोजेक्शन जैसे कि मैंने पहले ही बताया इतना ज़्यादा नहीं रहेगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अगर आप नए हो तो ये बात हमेशा ध्यान में रखा कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट परफ्यूम की ओर, जो है ऊद वाजिद। तो दोस्तों इसका भी जो डेंसिटी है, जो कंसिस्टेंसी है, वो सेम ऊद पचोली की जैसी है, ना कि ज़्यादा गाढ़ी है ना ज़्यादा पतली, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक डार्क लिक्विड है। हमेशा याद रखिए दोस्तों कि जब आप ये अप्लाई कर रहे हो तब आप अपनी स्किन पे लगा लीजिए और उसको अच्छी तरह से फैला दीजिए ताकि ये अपने कपड़ों पे दाग ना छोड़े। अपने रिस्ट पे लगाऊंगा ताकि मुझे खुशबू आइडेंटिफाई करने में मदद हो। तो जैसा कि मैं सूंघ पा रहा हूँ, इसमें नखली की जो एक नोट है बहुत ही डोमिनेंट है। तो दोस्तों जो नहीं जानते उनके लिए बताना चाहता हूँ कि नखला यानी सी शेल, जो सीप होते हैं उनका ड्राई डिस्टिलेशन प्रोसेस से उनको भूंज के उनकी खुशबू एक्सट्रैक्ट की जाती है, जो कि बहुत ही मस्कुलाइन, बहुत ही अर्दी नोट देती है किसी भी परफ्यूम में। तो जैसे अगर किसी सूखी दीवार पे या ज़मीन पे अगर अचानक से बरसात की बूंदें गिरे तो जो खुशबू वहाँ से निकलती है सेम वैसी खुशबू होती है। ओरिएंटल परफ्यूम्स में इसकी नोट एज अ बेस नोट करके यूज़ की जाती है, और साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में इसकी बहुत डिमांड है, तो ये वहाँ की खासियत है। तो ये जो नोट है बहुत ही बढ़िया नोट होती है, जो ऑफकोर्स जो नए लोग हैं उनको थोड़ी वियर्ड लग सकती है बट बाद में बहुत ही अच्छी डेवलप होती है। तो दोस्तों ओवरऑल ऊद वाजिद बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है अगर हम कंपेयर करें इसे हमारे पिछले परफ्यूम से जो कि था ऊद पचोली। तो ये अर्दी और नखले की जो इसकी जो खुशबू है उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करेगा, और मस्कुलाइन खुशबू है, थोड़ी एनिमलिक है, थोड़ी सी लेदरी है, लेदरी इसको कहना थोड़ा गलत होगा बट थोड़ी सी एनिमलिक खुशबू है इसकी, बट इन ऑल बहुत अच्छा परफ्यूम है। जो मस्कुलाइन परफ्यूम पसंद करते हैं उनके लिए तो बेस्ट है, तो ज़रूर ट्राई करें। इसका क्वार्टर तोला अराउंड 700 रुपीज़ का आता है, माना कि थोड़ा महंगा है बट जस्टिफाइड है अगर इसकी खुशबू और लॉन्जिविटी देखे तो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये जो सैम्पलिंग के लिए मुझे दिया गया था उस परफ्यूम की बात करेंगे। तो इस परफ्यूम का नाम है हर सिंगार। तो दोस्तों हर सिंगार यानी हम जिसे नाइट जैस्मिन कहते हैं या रात रानी जिसको कहते हैं, जो फूल रात में खिलते हैं, आपको शायद आप में से बहुत लोगों के घर पे भी इनकी लताएं होगी इन फूलों की। तो दोस्तों ये जो परफ्यूम है ये प्योर फ्लोरल एक्सट्रैक्ट है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, जैसे कोई टॉप मिडल या बेस नोट नहीं है इसकी। अगर आप खुशबू में डायरेक्टली सूंघ सकता हूँ, बहुत ही फ्रेश फ्लोरल और बहुत ही प्यारी मीठी सी खुशबू है, जैसी ताज़े फूलों की खुशबू होती है। तो मेरे हिसाब से ये आइडियल रहेगा समर में या फिर पूजा करते समय किसी को गिफ्ट देने के लिए। इसकी लॉन्जिविटी के बारे में तो अभी कुछ खैर मैं कह नहीं सकता, बट ओवरऑल ये परफ्यूम आपको बहुत ही मज़ा देगा, इस बात की तो गारंटी दे सकता हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट सैंपल की ओर, जो कि है ऊद मुखल्लत। तो दोस्तों मुखल्लत का मतलब होता है एक ब्लेंड। तो इसमें ऊद को बेस में रखते हुए और शायद सैंडलवुड को भी इसमें थोड़ा बहुत इसमें बेस में रखा है, साथ ही साथ कुछ फ्लोरल खुशबूएं मिक्स की हुई है, तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी खुशबू देता है। थोड़ा बहुत मीठी खुशबू है इसलिए शायद
किसी को पसंद ना आए, बट अगर आप इसको लगा के इसको लेयरिंग के लिए यूज़ करते हो तो बहुत ही बढ़िया परफ्यूम है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर उद वाजिब अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब परफ्यूम्स 350 to 500 की रेंज में है, अगर क्वार्टर तोला की बात करें तो बहुत ही अफोर्डेबल रेट में आपको 100% नेचुरल परफ्यूम्स मिल रहे हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों, और मुझे भी आपका एक्सपीरियंस बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही रिव्यूज़ आपके सामने लाया करूं, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती जाए। तो दोस्तों, आपका लाइक, आपका शेयर, आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं ऐसे ही कुछ नए वीडियोज़ आपके सामने लाया करूं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, बी सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।